हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हम स्पेशल टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे जो फिर से दोबारा ऑनलाइन करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, जो लोग ऑनलाइन कर भी दिए थे उन लोग को भी फिर से एडिट करने का मौका है, और नया लोग भी जो IIT पास किए हैं अभी 2024 में सितंबर में जिसका रिजल्ट आया है वो लोग भी भर सकते हैं, और प्लस टू साइंस वाला भी भर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि आप अपना कैटेगरी के अनुसार और अपना ट्रेड के अनुसार देख के भरें, ठीक है। हड़बड़ी में आप नहीं भरें, उसको अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को समझिए कि आपका ट्रेड में कहाँ कहाँ सीट है और आपका कैटेगरी में कहाँ कहाँ सीट है। ये सब बात पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और बात करें तैयारी के बारे में तो बोलेंगे आप लोग को प्रीवियस ईयर कोई भी, चाहे किरण का पब्लिकेशन का ले लें, चाहे युद्ध पब्लिकेशन का ले लें, प्रीवियस ईयर सारा जितना भी ALP टेक्नीशियन या रेलवे में पूछा है, ग्रुप डी हो, NTPC हो, RPF SI हो, कॉन्स्टेबल हो, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का उसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK GS का, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद वो बनाने के बाद आप सेट प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आपको सेट प्रैक्टिस में ही आपका नंबर इंक्रीज होगा। सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, उसी से आपको आपका तैयारी में और मजबूती प्रदान करेगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को अच्छी तरह से बना लेंगे। और अभी मैं ड्यूटी में हूँ, अगर आवाज़ बाहरी आवाज़ हो रहा तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि गाड़ी बाहर में चल रही है तो आवाज़ थोड़ा आपको सुनाई ज़रूर देगा, इसीलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करके वीडियो को देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद बोले आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका प्रीवियस ईयर बन गया तो चैप्टर वाइज भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। टेक्नीशियन का अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं भी पहले आप लोग को तो पता है कि पहले ड्राइवर का यानी कि ALP का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद टेक्नीशियन का। तो आपके पास अभी भी कम से कम 4 मंथ का टाइम है, कम से कम मुझे तो लगता है अभी भी 6-7 महीना लगेगा इसका एग्ज़ाम लेने, क्योंकि ALP का एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले ALP का आया है, इसके बाद RPF SI और कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी भी तैयारी कीजिए, पुराना प्रीवियस ईयर को बनाइए और चैप्टर वाइज बनाइए और डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। और फॉर्म भरने में आपको बताएं कि अपना कैटेगरी और आपका जो ट्रेड है और आप उसी के अनुसार आप पोस्ट प्रिफ्रेंस कीजिएगा और बोर्ड भी चॉइस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बोर्ड अगर आप भर दीजिएगा वहाँ आपका कैटेगरी में ज़्यादा सीट नहीं है और आपका ट्रेड का सीट ही नहीं है तो भरने से क्या फ़ायदा। इसीलिए ये सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बताया कि आपको डेली सेट प्रैक्टिस जरूरी है।